यह 10 उपाय दूर कर देगा पूरे परिवार का दुख दर्द। घर में जल बन जाएगा सुख शांति का वातावरण। नंबर 1, घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत भजन आवश्यक करें या बजाएं। नंबर 2, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाए, नहीं उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी। नंबर 3, अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन न करें। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। नंबर 4, घर के मुख द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। नंबर 5, अपने घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर कुश का आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 6, हमेशा घर में बनी हुई पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। नंबर 7, अपने घर की पूजा स्थल में सदैव जल से भरा एक कलश जरूर रखें। नंबर 8, पूजा में उपयोग होने वाली धूप आरती दीपक हवन की अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मार कर न बुझाए। नंबर 9, घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाए एवं सूर्यास्त के समय हर रोज घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर लगाया करें। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर के सभी लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। नंबर 10, पूजा के उपरांत जो सामग्री बच जाती है जैसे कि अक्षत फूल कुमकुम दिए की बत्ती आदि को भी फेंकना नहीं चाहिए। इन सभी बची हुई सामग्री को जल में विसर्जित कर देना चाहिए।